पेज नंबर 34 34 सफा नंबर 34 फवायद में जिक्र करते हैं उम्मत की अकसाम। पेज नंबर 34 कहते हैं उम्मत की अकसाम। कहते हैं पहली किस्म है उम्मत की जिसे हम उम्मते इजाबा कहते हैं। उम्मते इजाबा जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया, यानी अहले ईमान मोमिनीन। और उम्मत की दूसरी किस्म है उम्मते दावत। उम्मत दावत जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और जिसने कबूल नहीं किया, यानी कुफार दोनों शामिल हैं। अहले ईमान और कुफार दोनों उम्मत दावत हैं और उम्मत इजाबा में सिर्फ अहले ईमान शामिल और दाखिल हैं। कहते मसाइल, पहला तौहीद के बाब में लोगों के दरजात व मरातिब मुख्तलिफ हैं। तौहीद जो अमल है, जो अकीदा है, इसमें हर कोई एक दर्जे पर नहीं है। कोई फायत है, कोई उससे कमतर है, कोई दरमियाने दर्जे में है। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मरातिब हैं और इन्हीं मरातिब और दर्जात की बुनियाद पर कयामत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उनके मनाजिल में फर्क करेगा, जिसके जैसे आमाल होंगे, जिसका अकीदा जिस कदर मजबूत होगा। दूसरा, तहकीक तौहीद के मतलब की वजाहत कि तौहीद जो है इसको साबित करना, इसका क्या मतलब है, कैसे करना होता है। ब्रैकेट में उसको खुलासे के तौर पर जिक्र किए हैं कि शिर्क व बिदअत और मासी से तौहीद को पाक करना कि इंसान शिर्क से दूर रहे, बिदअत से दूर रहे, गुनाहों से दूर रहे, अपनी तौहीद को खालिस रखे, उसे इन गुनाहों से पाक साफ रखे, तो वो जो है आला दर्जे का होगा, तहकीक तौहीद हासिल हो सकती है उसे। तीसरा, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदह और सताइश यूं फरमाई, तारीफ की अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की और तारीफ करते हुए कहा कि वो मुशरिकों में से नहीं थे। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, मा कान मिनल मुशरिकीन, कि वो मुशरिकों में से नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई, यानी जो शख्स शिर्क से बचता है, अपने आप को शिर्क से बचाता है, वो काबिले तारीफ शख्स है, वो काबिले तारीफ है। चौथा, अल्लाह ताला ने इस बात पर हजरात औलियाए किराम यानी नेक बंदों की भी मदह फरमाई है, तारीफ की है कि वो शिर्क से बेजार रहते हैं। जो भी अफराद शिर्क से बेजार रहते हैं, शिर्क देखकर और शिर्किया माहौल से उन्हें घुटन महसूस होता हो, वो काबिल तारीफ है, यानी तौहीद उनके अंदर पाई जाती है और तौहीद का आला मियार पाया जाता है, तो ऐसे लोग काबिल तारीफ होते हैं। पांचवा, दम यानी रुहिया कराना करना, जिस्म दागने और दम कराने के तरीके इलाज को तर्क करना, यानी इन तरीकों से इलाज ना करवाना, तौहीद का आला दर्जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर आदमी तवक्कुल कर लेता है कामिल तौर पर और इन जायज तरीकों को छोड़ देता है, ये तरीके जायज है उसके बावजूद छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देता है। किसी से दम करने या दागने के लिए कहना, दो बातें जो कही गई, इनसे आदमी अपने आप को बचाता है, इस तौर पर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को मजबूत किए रखता है। छठा मसला जो इन्होंने बयान किया
इन अवसाद का अहाता करना ही दर हकीकत तवक्कुल है। जो बातें बयान की गई जिस्म दागने दम कराने वगैरह, क्योंकि ममनू उमूर को मजबूत तवक्कुल की बुनियाद पर छोड़ा जा सकता है। जिन चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना कर दिया है, उन चीजों को आदमी कैसे तर्क करेगा जब उसका भरोसा एतमाद अल्लाह पर मजबूत होगा। तो उसका मजबूत होगा अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह ने बयान कर दिया कि इसमें खैर है, तो बंदा गर्चे उसको बज़ाहिर नुकसान नजर आ रहा, अल्लाह पर एतमाद करते हुए उस काम को कर गुजरेगा। और अल्लाह ने जिस अमल में जिस चीज में शर का जिक्र कर दिया कि इसमें शर है खैर नहीं है, तो बंदा गर्चे उसमें बज़ाहिर फायदा नजर आ रहा, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए कि अल्लाह ने जब कह दिया है कि इसमें शर है, तो उसे तर्क कर देगा, छोड़ देगा और अल्लाह की बात को तस्लीम कर देगा। सातवां, सहाबाए किराम की इल्म की गहराई कि उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि जन्नत में जाने वालों को ये बुलंद मर्तबा उन्हें किसी अमल की बदौलत ही मिला है। कौन सा बुलंद मर्तबा? बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होने वाले 70,000। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 70,000 बिना हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने जब ये बात सुनी तो उन्हें अंदाजा हो गया कि ये बुलंद मर्तबा जो उन्हें मिला है किसी खास अमल की वजह से मिला है। लिहाजा वो सोचने लगे, आपस में गुफ्तगू करने लगे कि वो कौन सा अमल था जिसकी वजह से उन्हें ये बुलंद मर्तबा मिल गया। और वो अमल खालिस अमल की वजह से। आठवां, इस बात का भी अंदाजा हुआ कि सहाबाए किराम खैर के कामों के लिए किस कदर हरीस थे, हरीस आगे बढ़ने वाले थे, लालची थे। वो अंदाजा करने लगे कि ये जो बुलंद मर्तबा इनको मिला है कौन सा काम करते थे, हमें भी मालूम होता कि हम भी वो कर सके। आप अहादीस में इस तरीके से बहुत सारी हदीसें आपको मिलेंगी, वाकयात मिलेंगे कि आप देखेंगे सहाबे किराम अमल की तलाश में, कौन सा अमल मिल जाए मुझे। एक सहाबी आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते हैं अय्युल आमाल खैर, कौन सा अमल बेहतरीन मुझे बतलाइए। इस तरीके की कई हदीसें आपको मिलेंगी। एक सहाबी आते हैं और अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि बहुत सारे उमूर हैं, जान देने वाले आमाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दीजिए जो जिसे मैं मुस्तकिल करता रहूं, परेशान ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यसालु लिसानुका रतबा मिन ज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हारी जुबान जिक्र इलाही से हमेशा तर रहनी चाहिए। तो ऐसी बेशुमार हदीसें आपको मिलेंगी। गरीब अफराद हैं, खर्च नहीं है, माल वालों को देख रहे कि वो सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, उन्हें सवाब मिल रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं कि मालदार तो दीगर तमाम आमाल करते हैं जो हम भी करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं वो भी करते हैं, हम जिक्र इलाही करते हैं वो भी करते हैं, हम ये करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन उनके पास फज़्ल अमवाल ज़ायद माल है उनकी जरूरियात से, लिहाजा वो सदका करते हैं और ज्यादा सवाब हासिल करते हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूं कि अगर तुम करोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे और जो भी करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। अमल बतलाते तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जो थे वो खैर के कामों के लिए बड़े ही हरीस थे, तलाश करते रहते थे, क्योंकि उन्होंने इस नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की ताकि वो भी इस पर अमल पैरा हो सके, मालूम हो और हम भी अमल कर सके। नौवां, कमियत यानी अदद और कैफियत यानी अमल के एतबार से इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत भी वाज़ह होती है। हदीस के अंदर आया कि सबसे बड़ी जमात जो आएगी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की होगी कयामत के दिन, जिससे इस उम्मत की फजीलत बयान करना मकसूद है। और अमल भी ऐसा कि अमल हम मामूली करें और सवाब बड़ा मिलता है, 5 वक्त की नमाज हम पढ़े 50 वक्त की नमाज का सवाब हमें मिलता है। अगर आप बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो 50 वक्त की नमाज का सवाब मिलता है। मस्जिद कुबा में आप 2 रकात नमाज पढ़ ले आपको उम्रे का सवाब मिलेगा। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आमाल है कि आप यहाँ करें और आपको हज उम्रे का सवाब हासिल हो सकता है। 10वां, इससे मूसा अलैहिस्सलाम के अस्हाब यानी साथियों अतबा पैरोकारों की फजीलत भी आया होती है कि एक बहुत बड़ी जमात आएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे सोचेंगे शायद ये मेरी उम्मत है, तो उनको कहा जाएगा नहीं ये मूसा और उनकी उम्मत आ रही है,
बहुत बड़ी जमात होगी उनकी, जिससे उनकी फजीलत जाहिर होती है। ग्यारहवां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम उम्मतें पेश की गई, हर नबी और उनकी उम्मत पेश की गई आपके सामने, क्यों? आपकी तसल्ली की खातिर, आपकी तसल्ली हो जाए कि आपकी जमात सबसे बड़ी है, आपकी उम्मत सबसे बड़ी है, आपके अफराद आपके मानने वाले सबसे ज्यादा है, कि आपने जो मेहनत की थी उसका समरा यहाँ नजर आ रहा है, बड़ी तादाद में लोग आपके पैरोकार हैं। दूसरी, आपकी फजीलत और इज्जत बताने के लिए, आपकी फजीलत और इज्जत, आदमी की इज्जत इस तौर पर भी होती है कि उसके मानने वाले बहुत ज्यादा, एक तरीका ये भी है लिहाजा उसकी खातिर। बारहवां, हर उम्मत को अपने अपने नबी के साथ अलहदा अलहदा यानी अलग अलग उठाया जाएगा, एक नबी आएंगे उनकी उम्मत ही आएंगे, तो दूसरे नबी आएंगे उनकी उम्मत ही आएंगे, तीसरे नबी आएंगे उनकी उम्मत ही आएंगे, तो जितने अंबिया इस दुनिया में आए हर नबी और उनकी उम्मती अलग अलग आएंगे और वाजिब होगा कौन नबी है और कौन उनकी उम्मती है। तेरहवां, दावत अंबिया को बिलकुम थोड़े लोगों ने कबूल किया, अंबियाए किराम बहुत सारे आए, उन्होंने दावत दी और आम तौर पर अंबिया की दावत कबूल करने वाले कम ही लोग थे, कम ही लोग थे। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती बहुत ज्यादा थी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती सबसे ज्यादा होगी, लेकिन दीगर अंबिया ऐसे भी आएंगे कि जिनके एक या दो मानने वाले होंगे, दो भी उम्मती होंगे, बाद अंबिया आएंगे जिनके एक भी उम्मती नहीं होंगे, उन पर ईमान लाने वाला कोई भी नहीं होगा। चौदहवां, जिस नबी की दावत पर एक शख्स भी ईमान नहीं लाया वो अकेले ही आएंगे, तन्हा आएंगे, उन पर कोई ईमान नहीं लाया होगा। पंद्रहवां, इस इल्म का फायदा ये है, ये तो हम जानते हैं कि किसी के बहुत ज्यादा उम्मती हैं, किसी के कम हैं, किसी के थोड़े हैं, एक दो हैं, किसी के कोई भी नहीं है, इसके जानने का फायदा क्या है? एक फायदा तो यह है, कसरत तादाद पर मगरूर, कि आदमी तादाद ज्यादा होने की वजह से घमंडो गुरूर ना करने लग जाए कि मेरे उम्मती देखिए बहुत ज्यादा, नहीं, ये अमल नहीं होना चाहिए। और किल्लत तादाद पर परेशान नहीं होना चाहिए, किसी की उम्मती बहुत ज्यादा है और किसी के बहुत कम है, किसी के थोड़े की नहीं, तो कम ज्यादा होने की वजह से आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए। ये दुनिया की बात है, आदमी इसकी वजह से परेशान ना हो, क्योंकि किल्लत कभी कभी कसरत से बेहतर होती है, किल्लत कम होना ये बेहतर होता है ज्यादा होने से बहुत सारे मामलात में, वरना अगर हम कसरत को ही हमेशा अच्छा समझे तो इस वक्त ज्यादातर कसरत किसकी है? गैर मुस्लिमों की, मुसलमान ज्यादा नहीं, कोई एक उम्मत एक कौम भी कह ले तो पूरी दुनिया में ईसाई सबसे ज्यादा है, और कह ले तो पूरी दुनिया में कुफार सबसे ज्यादा है, तो कसरत ज्यादा होना ये कोई फजीलत की बात नहीं है हमेशा के तौर पर, और कसरत पर फख्र भी नहीं होना चाहिए। फतेह मक्का के बाद जब गज़वे हुनैन की बात आई, आगे जंग करने जाना हुआ, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन में से बाज़ ने कहा, इतनी बड़ी तादाद हो गई हमारी, अब हमें कौन हरा सकता है, अब हमें शिकस्त का क्या खौफ है? लेकिन आगे जब जंग हुई, कम तादाद वालों से हारने वाली नौबत हो गई, तकलीफें पहुंचने लगी, मुसीबतें आने लगी, तो कसरत और किल्लत की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। सोलहवां, नजरे बद और जहरीले जानवर के काटने वगैरह मामलात में शरई झाड़ फूंक की इजाजत है, आदमी इस तरह की चीजों में धुआं दम वगैरह करके जो है इलाज कर सकता है, इसका फायदा है। सत्रहवां हम छोड़ दें। अठारहवां, सलफ सालिहीन एक दूसरे की बेजा तारीफ और सताइश से परहेज किया करते थे, बेजा नाहक तारीफ किसी की नहीं करते थे, और मुंह पर तो बिल्कुल नहीं करते थे, मुंह पर बिल्कुल नहीं करते थे, हदीस शरीफ के अंदर तो मना किया गया है कि आदमी अगर मुंह पर तारीफ करता है तो उसके मुंह पर मिट्टी डाल दो, पर मिट्टी डाल दो, तो बेजा तारीफ ये किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं, ये गुलू के जुमले में आता है, गुलू आदमी पढ़ा रहा उसको उसके मर्तबे से बढ़ाया जा रहा, जबकि हदीस के अंदर कहा गया कि अंजिलुन्नास मनाज़िलहुम, कि लोगों को उनके रुतबे पर उनके मर्तबे पर रखो, आगे ना बढ़ाओ। 19वां, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत उकाशा रजी अल्लाह अन्हु से ये कहना, आप उनमें से हैं, बयान किए 70,000 बगैर हिसाबों किताब जन्नत में जाएंगे, उकाशा रजी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए कि अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊं, अल्लाह के रसूल ने कहा आप उनमें से हैं,
नुबूत की निशानियों में से एक निशानी है। ये बात कहना आप उनमें से गैब की खबर, गैब की खबर है ना, वो कैसे जाना आपने? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वही की, ये उम्मत नबूवत की निशानियों में से एक निशानी है आपकी कि आप गैब की बातें जानते थे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बतलाता था। 20वां, इससे हजरत उकाशा रजी अल्लाह तआला अनु की फजीलत भी मालूम हुई। सहाबी रसूल बगैर किताब व किताब के जन्नत में जा रहे हैं कि वो उनमें से हैं जो जन्नत में बिला हिसाब किताब के जाएंगे। 21वां, इससे ये भी मालूम हुआ कि इशारा व किनाया में बवक्ते जरूरत, कि जब जरूरत हो आदमी इशारे में किनाए में गुफ्तगू कर सकता है जायज है, इशारे से किनाए से। और आपने ऐसा इसलिए किया, हजरत उकाशा के बाद एक साहब और खड़े हुए, उन्होंने कहा था कि रसूल मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा सबक यह उकाशा, कि उकाशा जो है तुमसे सबक ले गए। तो ये नहीं कहा कि तुम नहीं जाओगे, या ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता, डायरेक्ट मना नहीं किया, बल्कि कहा कि तुमसे सबक ले गए, इशारे में गुफ्तगू की। क्योंकि गुफ्तगू, क्योंकि या तो वो मुनाफिक था, अल्लाह के रसूल के जमाने में मुनाफिक भी थे, अल्लाह के रसूल को मालूम था, तो शायद हो सकता है वो मुनाफिक था इसलिए आपने दुआ नहीं की उसके लिए, या फिर इसका दरवाजा खुल जाने के डर से कि फिर कहीं ऐसा आदमी भी इसका सवाल ना कर बैठे जो इसका अहल ना हो, कि अभी मैंने कह दूं ठीक है तुम भी उनमें हो, फिर तीसरा खड़ा होगा तो एक दरवाजा ना खुल जाएगा, फिर लोग खड़े होते चले जाएंगे कि मेरे लिए भी मेरे लिए भी। और फिर इनमें ऐसा ना हो कि कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जाए जो जन्नत जाने के लायक ना हो, और फिर वो भी खड़ा हो जाए तो मैं मना ना कर सकूं। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे और किनाये की गुफ्तगू करके वहां पर बात खत्म कर दी। 22वां, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने अखलाक का भी पता चलता है, कि आपने डांटा टपटा नहीं, मना नहीं किया, डाय नहीं तुम नहीं जा सकते हो, बल्कि इशारे वाले अंदाज में समझा दिया कि उकाशा जो है आपसे सबक ले जा चुके हैं। यहां से चौथे बाब का आगाज होता है जिसका उन्वान है शिर्क से डरने का बयान। शिर्क से बचना नहीं, बचना तो है ही, शिर्क से डरना, आदमी डरे कि कहीं मैं शिर्क में ना पड़ जाऊं, मुझसे शिर्क ना हो जाए, आदमी डरता रहे इस बात से। लिहाजा कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह तहकीक तौहीद के बाद इस बाब को क्यों लाए हैं, तहकीक तौहीद से पहले गुजरा तौहीद को साबित किया जाए, फिर इस बाब को क्यों लाए शिर्क से डरने, क्योंकि शिर्क से डरना और उससे इज्तिनाब करना बचना तहकीक तौहीद के तकाजों में से, आदमी तौहीद को पूरा करना चाहता है तो उसके लिए लाजिम है कि वो शिर्क से डरे और शिर्क से बचे, इसके बगैर तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती है। लिहाजा तहकीक तौहीद के बाद इस बाब का जिक्र करना मुनासिब है कि अगर आदमी तहकीक तौहीद चाहता है तो शिर्क से डरे, तब जाकर वो तहकीक तौहीद कर सकेगा, बल्कि आखिरी किताब तक तमाम अबवाब तहकीक तौहीद के लवाजिम है। आदमी तौहीद को अगर साबित करना चाहता है कि तौहीद को खालिस तौर पर रखे, तो अब जितनी बातें बयान की जा रही हैं वो तौहीद को खालिस करने और उसके तकाजों को पूरा करने पर मुश्तमिल है, उनका हिस्सा है लाजमी। दूसरी बात, कभी कभी इंसान को लगता है कि उसने तहकीक तौहीद के तमाम तकाजों को पूरा कर लिया है, आदमी समझता है जैसे हम बहुत सारे अलहदीस समय कि अलहदीस हो गए तो समझते हैं हम तो पक्के मुआहिद हैं, पक्के जो है मुआहिद है, हमारे अंदर कोई शिर्क का शायबा नहीं है, कोई इस तरह तौहीद के खिलाफ कोई बात नहीं है, तौहीद वाले हम कहते रहते हैं हम लोग जो है, तो इस तरीके से आदमी समझता है। लेकिन अदम इल्म की वजह से, इल्म ना होने की वजह से शिर्क की आमेजिश हो जाती है, आदमी को इल्म नहीं है, शिर्क की आमेजिश कर बैठा, मिलावट कर दिया। जैसे आदमी गैरुल्लाह की कसम खा लेता है, माँ की कसम, बाप की कसम, ये भी शिर्क, रियाकारी उसके अंदर आ जाती है किसी अमल में, ये भी शिर्क है। आदमी जुबान से कोई ऐसी बात कह देता है जो शिर्क है, तो शिर्क हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है, तो आदमी को इल्म नहीं होता है कि ये चीज शिर्क है या तौहीद के खिलाफ है, और आदमी कर गुजरता है, इसलिए वो समझता है कि मैंने तो पूरा कर लिया, लेकिन
सकती, क्योंकि वो खिलाफे तो हम चीज पर अमल पैदा होता है। लिहाजा इंसान को मुतनब्बे करने के लिए इस बात का जिक्र किया कि आदमी शिर्क से डरता रहे, उसके अंदर शिर्क से डर होना चाहिए। पहली और दूसरी दलील, अब शिर्क से डराने वाली दलीलें दे रहे। पहली दलील कहते हैं अल्लाह का फरमान है इन्ना अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करता है अन युशरका बिही, इस बात को कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, यानी शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता है। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा शिर्क के अलावा जिसके लिए जो चाहता है माफ कर देता है। शिर्क के अलावा कितना भी गुनाह हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम जमीन भरकर गुनाह लेकर आओ, मैं जो है उतना ही मगफिरत लेकर आऊंगा और तुम्हें बख्श दूंगा, वला मुबाली, और कोई फिक्र नहीं करूंगा कि तुम कितना गुनाह लेकर आए। लेकिन शर्त यह कि शिर्क ना, शर्त यह है कि शिर्क की आमेजिश, शिर्क ना हो उसके अंदर। तो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को ऐसे ही माफ कर देता है जिसके लिए चाहता है, लेकिन शिर्क को बगैर तौबा के माफ नहीं करेगा। और अगर बगैर तौबा के आदमी मर गया तब तो आखिरत में कभी माफी नहीं है उसके लिए, बल्कि दूसरे गुनाहों के लिए माफी है, तौबा के शिर्क के लिए नहीं है। कहते हैं दूसरी दलील, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हजरत इब्राहिम ने दुआ की, सोचिए उनकी तौहीद जो है मिसाले तौहीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मुतअद्दी जगहों पर उनकी तौहीद को बयान किया है बाकायदगी तौर पर कि किस कदर वाहिद शख्स थे, इमामुल मुवाहिदीन थे, तमाम तौहीद परस्तों के इमाम और सरदार थे। उन्होंने दुआ की वजनूबनी व बनी अन नअबुदुल असनाम, या ए अल्लाह मुझको और मेरी औलाद को, मेरे बेटों को अन्नाबुदल असनाम इस बात से बचा लेना कि बुतों की इबादत करें, बुतों की इबादत से हमें बचा लेना, शिर्क से हमें बचा लेना कि हम शिर्क वाला गुनाह ना करें। इमामुल मुवाहिदीन है, सबसे बड़े मुवाहिद है, और उसके बावजूद जो है ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे बचे, यानी डर है उनको, इसके बावजूद भी उनको डर है कि मुझसे शिर्क वाला गुनाह ना हो जाए। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और भी मुख्तलिफ अंदाज से शिर्क से डराया, शिर्क से डराया है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकाम पर 18 अंबियाए किराम का जिक्र किया, बड़े बड़े अंबिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हारून, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ, ज़करिया, इलियास वगैरह, 18 अंबियाए किराम का जिक्र किया और फरमाता है लैन अशरकू लहबित लौ कानू अशरकू लहबित अनु मा कानू यअमलून, لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, आयत इस तरह لو اشركوا ما لحبط عنهم ما كانوا يعملون, कि अगर ये भी शिर्क किए होते तो इनके भी सारे आमाल अकाल बर्बाद हो जाते। अंबिया के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये भी अंबिया से तो शिर्क नहीं होना, और अल्लाह के रसूल को सूरह ज़ुमर में बतौर खास मुखातब करके कहा लैन अशरकत लहबतन अमलुक वलतकूनन मिन अलखासिरीन, कि अगर आप भी शिर्क करते तो आपके भी सारे अमल बर्बाद हो जाते और आप भी नुकसान उठाने वालों में से होते यकीनी तौर पर। तो अंबिया से शिर्क का गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन उम्मतियों को, लोगों को डराने के लिए कि शिर्क कितना खतरनाक गुनाह है, कि अगर अंबिया से भी शिर्क जैसा गुनाह हो जाए तो उनके भी सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, तो जो गैर अंबिया है उनके साथ क्या होगा। तो इसलिए शिर्क से आदमी को डरते रहना चाहिए। कहते हैं हम शिर्क से कैसे बच सकते हैं, ये बहुत ही अहम पॉइंट है, शिर्क से आदमी डरे और उससे बचने की कोशिश करे तो कैसे बचेगा। पहली चीज तौहीद सीखने, शिर्क का अपोजिट है तौहीद, लिहाजा आदमी तौहीद सीखे कि तौहीद क्या चीज, क्या चीजें हैं, कैसे तौहीद होता है, उस पर अमल करने, तौहीद सीखे उस पर अमल करने, उसकी तरफ दावत देने, आदमी तौहीद की तरफ दावत दे लोगों को, और उस पर सब्र करने के जरिए तौहीद पर सब्र करे, तकलीफें आएंगी, दीगर मसायल आएंगे तो उन पर सब्र करके जमे रहे तौहीद पर, जिस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डटे रहे और तौहीद से उन्होंने सौदा नहीं किया, वालिद ने घर से निकाल दिया, कौम ने मुल्क से निकाल दिया, चला वतन कर दिया, छोड़कर हिजरत करना पड़ा, तौहीद की खातिर जो है अपनी आल औलाद को छोड़ना पड़ा, तो सारी कुर्बानियां उन्होंने की, बर्दाश्त किया सब कुछ, लेकिन तौहीद के लिए उन्होंने सौदा नहीं किया तौहीद का। दूसरी बात
शिर्क और उसके असबाबों मुहर्रिकात की मारिफत हासिल करने के जरिए आदमी शिर्क से कैसे बच सकता है, शिर्क को जाने, शिर्क क्या चीज है और उसके असबाब क्या क्या होते हैं, किन की वजह से शिर्क वजूद में आता है, मैं शिर्क में कैसे पड़ सकता हूँ, चीजों को जाने आदमी जब जान लेगा तो बच जाएगा, उन चीजों से बचेगा और शिर्क से बच जाएगा। तीसरी बात सबसे अहम, अल्लाह से दुआ और मदद तलब करने के जरिए। हजरत इब्राहिम नबी होने के बावजूद, इमाम मुवाहिदीन होने के बावजूद वो अल्लाह से शिर्क से बचाने की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे शिर्क से बचाना, मेरी औलाद को शिर्क से बचाना। तो अल्लाह से आदमी दुआ करे और साथ साथ मदद तलब करे कि अल्लाह मेरी मदद करे इस अमल में, शिर्क से बचने में। चौथी चीज, शिर्क और मुशरिकीन से बराअत और दूरी इख्तियार करने की बात, कि शिर्क से आदमी बरी रहे, शिर्क वाली जगहों से आदमी दूर रहे, बरात का इजहार करे और मुशरिकीन से भी बचकर रहे। उनके ऐसे प्रोग्रामों में जहां शिर्क का शायबा पाया जाता हो, शायबा शिर्क नहीं, शिर्क का रास्ता सबक कोई पाया जाता हो, ऐसी जगहों पर भी आदमी शिर्क ना करे। जैसे उद्घाटन करते, उद्घाटन करते ना, उद्घाटन हिंदी लफ्ज, किसी चीज का उद्घाटन करते, दुकान कोई गैर मुस्लिम शुरू कर रहा तो उद्घाटन करता है तो बुलाता है अपने मुस्लिम दोस्तों को, उसमें भी शिर्क का शायबा पाया जाता है। पूजा वूजा करता है अपनी दुकान की, कोई और कुछ कर रहे, सड़क बनाने जा रहे तो पूजा की जाती है, नल का पाइप डाल रहे तो पूजा की जा रही है। तो ऐसी तमाम जगहों से आदमी दूर रहे, आपको बुलाया जाए बावजूद इसके आप ऐसी जगहों से दूर रहे, हरगिज़ हरगिज़ ना जाए, ताकि आप शिर्क से डरने वाले बने और शिर्क से बचने वाले बने। तो शिर्क से भी और मुशरिकीन से भी आदमी अपने ईमान और इस्लाम की खातिर, दोस्ती की खातिर अपने ईमान और इस्लाम और तौहीद का सौदा ना कर ले कि किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती है तो उसकी जो है त्योहारों में आके शिरकत करके अपने ईमान और अकीदा खराब कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं अगर किसी की मौत शिर्क अकबर पर होती है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को माफ नहीं करेगा। शिर्क अकबर पर, शिर्क की दो किस्में, शिर्क अकबर, शिर्क असगर, अगर किसी की मौत शिर्क अकबर पर हो जाएगी तो अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि यह अल्लाह के खालिस हक़े तौहीद का मुजरिम है, हक़े तौहीद का मुजरिम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, और वह हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी भी जहन्नम से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे निकालेगा नहीं। और अगर शिर्क असगर करते हुए मौत आती है, कोई बंदा मरा मुसलमान था, मोमिन था, ईमान वाला था, लेकिन शिर्क असगर वाला गुनाह करता था, किया उसने, तो उसको बकदरे शिर्क अजाब दिया जाएगा, जितना उसने शिर्क किया होगा उतना उसको अजाब दिया जाएगा और फिर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और वह हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, क्योंकि वो मोमिन, क्योंकि वो मोमिन है। तो शिर्क अकबर और शिर्क असगर के फर्क, दोनों के दरमियान फर्क एक ये भी है, आगे फर्क और भी वाजे करेंगे, लेकिन एक फर्क ये भी है कि शिर्क असगर वाला हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, जबकि शिर्क अकबर वाला हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। दूसरी बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की उसमें उन्होंने कहा वजनी भी नहीं, वजनू भी नहीं, जिसके माने लफ्जी तौर पे कहे मुझे बचा ले, कैसे मुझे एक किनारे तो बुतों की इबादत करने वाले को दूसरे किनारे कर दे, फासला जमीन के एक किनारे मुझे कर दे और बुतों की इबादत करने वालों को जमीन के दूसरे किनारे कर दे, ताकि हमारे दरमियान में काफी फासला दूरी रहेगा, हम जो है काफी दूर रहे। तो इस तरीके से आदमी मुशरिकीन से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करे। आयत में लफ्ज आया अल असनाम, सनम की जमा है, सनम कहते हैं ऐसी चीज को जो इंसान वगैरह की सूरत पर तराशा गया हो या मुजस्मे की शक्ल दी गई, ढांचा बनाया गया हो पत्थरों से मिट्टियों से, उसको एक शक्ल दी गई हो और जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाती हो उसे सनम कहते हैं, अल्लाह के सिवा इबादत की जा रही है और इंसानी शक्ल सूरत वाला ढांचा उसको बनाया गया हो। और वसन का लफ्ज इस्तेमाल होता है कुरान करीम में, वसन जमा अवसान, वसन हर उस चीज को कहते हैं जिसकी अल्लाह के अलावा पूजा की जाती हो, वसन
कोई भी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे ढांचा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे सूरज हो, चाहे तो अगर उसके अल्लाह के अलावा इबादत की जा रही है तो उसे वसन कहा जाएगा। सनम भी है लेकिन सनम खास है, यानी जो मूर्ति होगी उसे सनम कहेंगे और वसन आम है। कब्र भी वसन है, कब्र भी वसन है, इसलिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन जुर्बत, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कब्र को ऐसा बुत ना बना देना जिसकी इबादत की जाए। दुआ की उन्होंने, तो जिसकी भी अल्लाह के अलावा इबादत की जाती है वो वसन है, और जिसकी मूर्ति की शक्ल बनाकर इबादत की जा रही हो वो सनम है, यानी वसन आम है सनम के मुकाबले में। दूसरी बात, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ऊपर शिर्क का खौफ खा रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर रहे हैं कि मुझसे और मेरी औलाद से शिर्क जैसा गुनाह ना हो जाए, जो कि अल्लाह के दोस्त वली और तौहीद परस्तों के इमाम है, तो हमारा हाल क्या होना चाहिए, हमें कितना डरने की जरूरत है कि हमसे गुनाह ना हो जाए, वो भी शिर्क जैसे गुनाह ना हो जाए, तो बतौर खास शिर्क से कितने कितना डर हमारे अंदर पाया जाना चाहिए। लिहाजा हम शिर्क से खुद को मामून यानी महफूज ना समझें, जैसे हम समझते हैं अलहदीस होने के बाद आदमी कुछ सालों में भूल मिल जाए, नया भी अगर कोई बंदा रहता है तो कुछ रमक रहती है शुरू में, फिर भूल मिलने के बाद और खानदानी जो है उनके अंदर जो बाती है, हम तो अलहदीस है तो ही परस्त है, हमें क्या डर है, तो हमें कितना अपने आप को महफूज समझने की जरूरत है, कितना डर रखने की जरूरत है, ये हमें ख्याल करना चाहिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर रहे तो हमारे अंदर कितना डर होना चाहिए, और इसी तरह ना ही निफाक से हम अपने आप को महफूज समझें, निफाक से कि मैं तो मुनाफिक नहीं हूँ, यानी मेरे अंदर निफाक नहीं, मुनाफिक का मतलब नहीं कि आदमी खुली तौर पर निफाक की जो भी सूरतें, झूठ बोलना भी निफाक की एक सूरत है, धोखा देना भी, दगा देना भी निफाक की एक सूरत है, और गाली देना भी निफाक की एक सूरत है, लड़ाई झगड़ा कर, तो अमली निफाक बहुत सारी हमारे अंदर पाई जाती है, तो आदमी अपने आप को महफूज ना समझ ले कि मैं निफाक से महफूज हूँ, और अगर एतकादी निफाक आ जाता है, कल्बी निफाक, तब तो बड़ी बात है, फिर तो ईमान खतरे में चला गया। तो आदमी को अपने आप को निफाक से भी महफूज नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं निफाक से महफूज हूँ, क्योंकि निफाक से खुद को मामूर यानी महफूज समझने वाला मुनाफिक ही होता है, इसलिए आदमी को डरते रहना चाहिए, इसके अंदर एक बात कही गई है, आदमी को डरते रहना चाहिए, अगर आदमी समझ लेता है इसका मतलब उसके अंदर निफाक है, मुनाफिक कहा गया उसको, इससे बचना चाहिए। आज के दर्स को इसी पर इक्तफा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूं कि हम तमाम लोगों को अपनी तौहीद मजबूत करने और शिर्क और उसके तमाम असबाब से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन तकबल या रब्बुल आलमीन।